तो अगर मैं आपको कहूं कि ये सिंपल सा दिखने वाला एरो एक नेदराइट कार्मर पहने हुए बंदे को मार सकता है तो आपका आंसर होगा यस, मार सकता है अगर वो हाफ हट पे हो। तो अगर यहीं पे मैं आपको कह दूं कि वो हाफ हट में नहीं 20 हट पे होने वाला है लेकिन फिर भी वो बंदा मरने वाला है, तो मुझे पता है आप लोग मेरे पे यकीन नहीं करोगे लेकिन ये पॉसिबल है। तो आप कैसे एक एरो से एक प्लेयर को मार सकते हो ये मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये सब मुझे करना क्यों पड़ रहा है भाई। तो सबसे पहले इस कहानी को नाम देते हैं हम फुकुशु। फुकुशु का मतलब होता है रिवेंज, ये एक जैपनीज शब्द है। तो काफी टाइम पहले रेक्सी ने मुझे बिट्रे कर दिया था और उसके बाद आपको और मुझे एक ही चीज चाहिए थी, बदला। तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि एक एरो से मैं कैसे बंदे को मारने वाला हूं। तो सबसे पहले मुझे एक मशीन बनाने की जरूरत थी जो कि एक एरो से एक बंदे को खत्म कर सकती है। तो उसके लिए काफी कुछ सामान लगने वाला था जैसे कि बहुत सारे TNT। तो मुझे चाहिए थे 1000 TNT जिसके लिए कि मुझे एक क्रीपर फार्म बनाना पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैंने आज तक कोई भी फार्म नहीं बनाया तो मुझे नहीं पता कैसे बनाते हैं। तो इसीलिए हम एक नया दोस्त बनाते हैं जो कि थे डार्क मैप भाई। हाँ, इनको दोस्त बनाना पड़ता है क्योंकि जरूरत पड़ने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो ये बनाने वाले थे हमारा फार्म जिसके लिए कि हमें पहले सामान लाना पड़ता है। तो पहले जाके सामान ले आते हैं। तो मेरा काम सिर्फ और सिर्फ सामान लाना था, तो मैं सामान लाके उसको देता हूँ और वो एकदम से मेरे लिए क्रीपर फार्म बना देता है। सो या अभी इसके बाद हमें बहुत ज्यादा टाइम तक एफके रहना था, तो चलो भाई रहते हैं एफके। और क्या ही कर सकते हैं, नहीं ऐसे कर सकते हैं, नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, प्लीज उसे दबा दो और घंटी को ऑल पे सेलेक्ट कर दो और लाइक का बटन भी दबा देना इस वाले वीडियो का। लाइक गेम जो की है 40,000 लाइक का कंप्लीट करवा देना प्लीज। तो काफी दिनों तक मैं यही काम करता हूँ, एएफके रहो, टीएनटी बनाओ, फिर से एएफके करने जाओ, एएफके रहो, टीएनटी बनाओ, फिर से एएफके करने जाओ, यही काम बार बार करते करते फाइनली मेरे पास एक प्रॉब्लम आती है। तो मैं अपनी गेम को एएफके छोड़ के गया था और उसके बाद जैसे मैं आता हूं तो इम्पेल्ड बाय ड्राउन भाई, बेकार में मेरा एक दिल चला जाता है यहां पे। लेकिन चलो कोई ना, मैं वापिस आता हूं तो मुझे सारा का सारा सामान मिल जाता है और उसके बाद फिर से वही काम। तो काफी दिन की मेहनत के बाद, एक सेकंड, मेहनत तो की नहीं, मैं तो एफके था, ओके। तो काफी दिन की एफके मेहनत के बाद जाके फाइनली मेरे पास कंप्लीट हो आते हैं 1000 TNT और मैं बहुत ज्यादा खुश था, बता नहीं सकता क्योंकि आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई थी उस टाइम। तो 1000 TNT कलेक्ट होने के बाद मैं इन सबको एंडर चेस्ट में रख देता हूँ और उसके बाद मुझे रेक्सी वर्ल्ड के हार्डेस्ट स्टेप में डाल देता है और मैं वहां से निकल सकता था अपनी इन्वेंट्री को क्लियर करके, लेकिन उसकी मुझे परमिशन बिल्कुल नहीं थी। सो या मैं कोई भी कमांड यूज नहीं कर सकता था, मुझे बस इस चीज की परमिशन थी कि आप अपना पूरा की पूरा डाटा क्लियर करा सकते हो। और क्लियर डाटे में मेन थिंग मेरी सारा की सारा सामान चल रहा था जो भी मेरे एंडर चेस्ट में था, और मैं ये बिल्कुल नहीं सकता था क्योंकि मेरे इतने दिनों की मेहनत 1000 TNT मेरे चले जाते। सो मैंने किस तरीके से उसके बाद उस ट्रैप से निकला वो आप पिछले वाले वीडियो में देख लिया होगा। तो चलो अभी वो वाली मशीन देख लेते हैं जो एक एरो से एक बंदे को मार सकती है। ओके, सो फाइनली ये है वो वाली गन जिससे कि शायद एक ही हिट में बंदा मर जाएगा। तो सबसे पहले हमें टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि नहीं पता है कि होगा या फिर नहीं। ओके सर, हुआ, बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। अरे भाई हो गया यार, चल पड़ भाई, आप भी ठीक करके देता हूँ। ओके गाइस, अभी समझ चुका हूँ मैं, एक बार फिर से बटन दबाना होता है, जैसे दबाऊंगा इंस्टेंटली शूट हो जाएगा। नाइस, वेरी मच नाइस, सीरियसली मैं फट के फ्लावर हो गया, मेरे पास प्रोटेक्शन 4 का आर्मर था। ये वो मशीन है जो कि हमें सक्सेस दिलाने वाली है। तो अभी आप समझ ही चुके होंगे कि यही है वो चमत्कार जो कि सकता है एक एरो से किसी भी बंदे को मार। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी जिसके कारण हो सकती थी हमारी हार। तो दिक्कत ये थी कि जब भी मशीन चलती है तो उससे सिर्फ और सिर्फ टोटम पॉप होता है बंदे का, और SMP में सबके हाथ में टोटम तो रहता ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ टोटम पॉप कर पाएंगे हम एक मशीन से। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा सॉल्यूशन ये था कि हम दो मशीनें बना दें और दोनों साइड से चलेंगी, एक टोटम पॉप कर देगी और उसके बाद हाथ में टोटम नहीं रहेगा और बंदा इजीली मर जाएगा। तो अब हमें बनानी थी दो दो मशीनें जिसके लिए कि और ज्यादा सामान लगने वाला था। और यहाँ पे आते हैं हमारे डार्क भाई। तो डार्क भाई को मैंने स्टार्टिंग में दोस्त बनाया था सिर्फ अपने काम करवाने के लिए, लेकिन अब तक हमारी काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। सो डार्क भाई मेरी काफी ज्यादा मदद करते हैं सामान कलेक्ट करने में और बनाने में भी। तो बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक बहुत परफेक्ट सी जगह चाहिए थी ताकि हम आमने सामने दोनों मशीनों को बना सके। इस जगह को मैं बहुत देर तक ढूंढता हूँ लेकिन मुझे कोई भी जगह नहीं मिलती है। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं ढूंढ क्यों रहा हूँ भाई, दोनों साइड से अगर एरो चलेंगे तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, तो वही पॉइंट बना देंगे सेंटर पॉइंट। तो इस वाली जगह को मैं चूज करता हूँ जहाँ पे कि दोनों तरफ से एरो आने वाले हैं और बीच में बंदा मरने वाला है। सो यहाँ पे सबसे पहले मुझे आसपास का सारा एरिया क्लियर करना पड़ेगा ताकि एरो सीधी तरह से आ सके, कहीं पे बजे ना बीच में। तो
तो फाइनली इतनी ज्यादा डाक के द्वारा मेहनत करने के बाद मशीनें बन जाती है। और अभी मेरा काम था इनको कवर करने का, क्योंकि अगर किसी को गलती से दिख जाती है तो उसके बाद मुझे ना दिखने वाली भाई, वो एकदम इनविजिबल हो जाएगी। ओके, तो मैं बड़े बड़े मिट्टी के डब्बे लाता हूँ जिससे कि हम इसे कवर कर देते हैं, क्योंकि किसी को दिखना नहीं चाहिए। देखो देखो, डाक मैम मेरे पास आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे इधर आओ रे बाबा, ऊपर पीछे देखो रे, पीछे चाचा दिखा, जल्दी आओ जल्दी आओ। देख रहे हो सामने पोर्टल? वही तो मैं कह रहा था, यहाँ पे कोई आता जाता है ऐसा लग रहा है। जो मौसम विभाग है ना, यहीं से देखते हैं मौसम, ऊपर चढ़ता है फिर देखता है कैसा है, बादल बुदल है या नहीं, सबको दिख जाता है। ये बनाने का इंटेंशन क्या रहा होगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। देखो मेरे को डर्ट की जरूरत है, क्यों ना मैं यहीं से उखाड़ के ले जाऊँ। यस गुड आइडिया, क्यों नहीं, जिसकी भी होगी भाड़ में जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं डरता तेरे से। तो इसके बाद अब बारी थी एक माथा बच्ची वाले काम की। यहाँ पे TNT भरते 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 आंखों में दर्द लगे भाई, बहुत ज्यादा चुभ रहे थे। एक एक करके खोलो फिर डालो, 129 पे एक एक करके हमें डालना था। तो अभी फाइनली टेस्टिंग का टाइम आ चुका था, लेकिन उससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ तीर का। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया इस मशीन के द्वारा कि तीर में इतनी ज्यादा पावर आ गई कि सामने प्रोटेक्शन 4 वाला खड़ा है लेकिन फिर भी उसको मार दिया। तो यहाँ पे माइनक्राफ्ट का लॉजिक एकदम रियल लाइफ की लॉजिक की तरह है। तो अगर हम रियल लाइफ में किसी भी तीर को बहुत ज्यादा स्पीड से फेंकते हैं तो वो बहुत ज्यादा डैमेज करने वाला है सामने वाले को, और यही लॉजिक माइनक्राफ्ट में भी काम करता है। अगर माइनक्राफ्ट में किसी तीर की स्पीड बहुत ज्यादा आपने बढ़ा दी है, उसके हिसाब से वो बहुत ज्यादा डैमेज देने वाला है। और TNTs का यूज करके हमने यही किया कि वो जो तीर थे उनकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि वो किसी भी प्रोटेक्शन 4 वाले बंदे को मार सकते थे। ओके गाइज, जब हो जाएगा चार्ज तो मुझे बता दो आप लोग। चार्ज इज डन। ठीक है, 1 2 3। डाक पहले आपको करना है, दबा दो डाक। दबा दिया मैंने, दबा दिया। मैंने भी दबा दिया, ओके यस, कुछ हुआ नहीं भाई। ओके मैं समझा, कुछ थोड़ी सी अपने यहाँ पे दिक्कत है। आटे भाई आपका तो आया ही नहीं अभी तक। ओ शिट, क्या हुआ? ओए क्या हुआ? TNT वो मशीन ही फूट गई भाई। हैं? ओ शिट, बड़े बहुत कुछ फूट गया आरटीओ भाई। सो यहाँ पे मेनली हमारे पास 3 प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम ये थी कि हमारी मशीन काम नहीं करती है, दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि वही मशीन फूट जाती है, तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि हमें उस प्लेटफॉर्म को एक ब्लॉक नीचे करना था जो कि ज्यादा बड़ी नहीं थी। लेकिन जब ये मशीन फूटती है तो हमारे बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे TNTs और जो इसमें TNTs डले हुए थे वो सारे फूट जाते हैं और बेकार हो जाते हैं। और कह सकते हैं कि अभी मैं दूसरा टेस्ट करने के लायक भी नहीं हूँ, वरना मेरे TNTs खत्म हो जाएंगे और इतना टाइम नहीं है कि मैं और TNTs लाऊं। तो कह सकते हैं कि अभी हमें बस फिक्स करना था, उसके बाद सीधा शूट करना था। टेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं बाकी थे। तो अभी आ चुका है वो समय जिसके लिए आप सबने इंतजार किया, तो मैं सेनपाई को बुला लेता हूँ सबसे पहले। ये फाइनली, यो यो यो, दो दो गुब्बारे हाथ में काहे लिए, एक ही लो ना। सिक्योरिटी। तो सबसे पहले ये है वो जगह सेनपाई, यहाँ से यू नो ये वाली जहाँ पे आप बैन हुए थे। या। डरने की जरूरत नहीं है सेनपाई, आपको तो एक बार मेरे हाथों से मरने की जरूरत है। ओके सेनपाई, तो अभी आपको मेरी इंस्ट्रक्शन सबसे पहले फॉलो करनी पड़ेगी सारी, ठीक है? All right. ठीक है, आप एक जगह खड़े हो जाओ पहले, अभी मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, ठीक है? Yeah. क्या आप तैयार हो? Yep. पक्का? Yep. फूको शू। Oh my god. भाई कुछ हुआ ही नहीं इधर तो, कुछ हुआ क्यों नहीं? I was expecting a blast, man. तो ये आपको क्या दिख रहा है अभी? यहाँ से वार्डन निकलता। उछलो मत, निकल जाएगा, खा जाएगा कच्चा आपको। देखो देखो, मैं पता बताता हूँ मैं फुकुशु से क्यों भागा। फुकुशु के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई। I know. आर्टियो की मौत, आपकी मौत, बहुत सारी चीजें, सबका बदला लेगा अतरप अजर। अरे नहीं, जाओ ना प्लीज, मेरे को काम करने दो। सेनपाई को मारना अभी जाओ। मारना है मेरे को इसको, अभी जाओ ना मम्मी, अभी अभी नहीं। ओके सुबह जाऊंगा मैं स्कूल को। ओके आपने मेरी बहुत सारी चीजें बेकार कर दी मुझे जो लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं कहीं हद तक सक्सेसफुल था, मेरे को बस आपको डराना था। अब यही है क्या प्लान पूरा, डराना? या तभी तो डाक आपके आने पे ज्वाइन हुआ। अब ऊपर तक खोद के देख लो, नीचे तक खोद के देख लो। नहीं नहीं, मुझे इतना पता मेरे ऊपर डाक नहीं है, cause हम लोग रैंडम लोकेशन पे कर रहे हैं ना। या वही तो, आपका मोटिव आपको सबको डरा डरा के रिवेंज लेना। या एग्जैक्टली, हाँ अभी मैं कह रहा था ना रेक्सी के बारे में, आप मतलब मदद कर सकते हो हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सक्सेसफुल हो चुका था। और आप सोचोगे कैसे भाई, वो तो मरा ही नहीं, क्या कर रहा था तू कब से? तो मैं आपको समझाता हूँ, शांत रहो एक सेकंड। तो सबसे पहली चीज,
अगर आपको किसी बंदे से रिवेंज लेना है, सिर्फ मार के रिवेंज नहीं होता है, बहुत सारी चीजों से रिवेंज ले सकते हो, जैसे कि उसे हर्ट करके, जैसे कि उसे ट्रोल करके, जैसे कि उसे पिटरे करके। और मैं इन सब चीजों को यूज करके उन लोगों से बदला लेने वाला था। तो सबसे पहले मैं उनको मारने वाला था उस मशीन का यूज करके, लेकिन मारने से पहले मैं उन्हें बहुत ज्यादा डराने वाला था, जैसे कि मैंने अभी सेनपाई को डराया, उसकी सीरियसली फट गई थी। और उसके बाद अब मुझे उन्हें धोखा देना था, लेकिन वो तो मुझ पर विश्वास ही नहीं करते थे, धोखा कैसे दूंगा। ऐसा पहले लगता था, अभी सेनपाई मुझ पर विश्वास करता है तो यहाँ कल उसे धोखा मिलने वाला है, उसे लगता है कि मैं बस ट्रोल करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया किसी ने, इधर क्यों? रुको रुको, किधर किधर? अचानक से निजी में से मीटअप क्यों कर रहे हैं सेनपाई? ओ वो रहे निजी भाई। ओके यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ, मुद्दे की बात करते हैं एक्चुअली। रेक्सी या अरे मार्सी या तो मैं तेरे को एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या कि अरे अरे रॉय जल्दी बोलो यार कि शेर कि फुकुशो गाइस। तो यहाँ पे हमारा प्लान फेल हो चुका था क्योंकि मशीन फट चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या करना है क्योंकि हमारे पास कोई भी बैकअप प्लान नहीं था, हमारे पास सिर्फ कुछ लोग थे जो कि थे आरटीओ भाई, डार्क वेब और ओपीओ। ओपीओ कैसे हमारे साथ है वो सब कुछ मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी टाइम था सिर्फ एक युद्ध का। ओह शिट, लाइट चला गया, मुझे नहीं पता लेकिन ऐसे सिचुएशन में मैं कैसे आता हूँ खुद ही। हर बार मेरी ऐसी सिचुएशन में लाइट चली आती है और अभी मैं कुछ नहीं कर सकता था, वो लोग मेरे लिए लड़ रहे हैं और मैं यहाँ पे लाइट के लिए। तो अभी जब तक मेरी लाइट आती है तब तक आप आटियो भाई की एक्स का जादू देखो। तो आरटीओ भाई की एक्स की चेंज खाने के बाद ये लोग भाग जाते हैं और उसके बाद अभी मेरी लाइट आ चुकी थी और मैं जैसे ही ज्वाइन करता हूँ वैसे ही ओ शिट यार। तो यहाँ पे मैं मर चुका था, मुझे सेनपाई ने मार दिया था जब मैं एफके था। तो जैसे ही मेरी लाइट गई उसके 10 सेकंड तक मेरी बॉडी गेम में रहती और उतने में उन्होंने मेरा खेल खल्लास कर। सो यहाँ अभी क्या ही कर सकते हैं हम लोग, सामान फिर से लेते हैं और फिर से जाते हैं उनको मारने अभी। तो उसके बाद मैं 7 पोर्टल पार से भगता भगता आता हूँ और जैसे ही मैं स्पॉन पे पहुंचता हूँ वैसे ही ओह शिट यार, लाइट लाइट लाइट, इसको मैं छोड़ूंगा इस लाइट को भाई। तो उसके थोड़ी देर बाद फिर से लाइट आती है और मैं फिर से आता हूँ और अभी यहाँ पे हम सामान का लेन देन करते हैं। और उसके बाद मैं ज्वाइन हो चुका था लेकिन मेरे आने के कुछ देर बाद आरटीओ भाई चले आते हैं क्योंकि उनकी लाइट चले जाती है। अरे ये लाइट है कि क्या है भाई, क्या दुश्मनी है लाइट की मार। ओके कोई ना, होता है होता है। भाग रहा यार ये तो, बस पोशन वेस्ट हो रहे हैं बेकार में।
सेन भाई अरे लैपिस भी है वायरस नहीं मेरे पास ओ नो मुझे दो लोग मार रहे हैं डीओपी ओके कोई नहीं मैं कर सकता आ जा डीओपी भाई किसको लूटूंगा किसको मेरा मेरा क्या मेरा क्या मेरा क्या मेरे कम दिल है इनके पास ज्यादा है तो इस पॉइंट पे डार्क वेब था मेरा आखिरी सहारा क्योंकि ओपी भाई की लाइट जा चुकी थी आरटीओ भाई की लाइट जा चुकी थी और डार्क वेब भी जा चुका था लेकिन फिर भी मैं लड़ता हूँ बहुत देर तक बहुत ज्यादा लोग हैं मैं अकेला हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन थी एक कि मैं चला जाऊं और दूसरा कि मैं मर जाऊं सो मुझे पता है कि अकेले चार बंदों से मैं नहीं लड़ सकता था और बाद में पीएसटी भाई भी आ चुके थे सो पांच बंदों के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं लड़ सकता था सो मुझे यहाँ से जाना पड़ता है लेकिन जाने से पहले यहाँ पे एक जंग की शुरुआत हो चुकी थी क्योंकि बाकी जितने भी एसएमपी के मेंबर थे उनसे मेरी कोई दुश्मनी थी लेकिन फिर भी वो आए थे सो अब दुश्मनी हो चुकी थी और एसएमपी दो ग्रुप्स में बढ़ चुकी थी एक ग्रुप में बाकी सारे के सारे मेंबर्स थे और दूसरे ग्रुप में हम चार मेंबर्स थे तो काफी डिफिकल्ट होने वाला है अपने लिए लेकिन फिर भी हम लड़ने वाले हैं।